brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते थे कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों में एकजुटता का माहौल बने, इसलिए उन्होंने यूपी की सियासत में पीडीए का जाल बिछाने की जवाबी रणनीति तय की। पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सपा अपने अतीत की पारंपरिक जमीनी धरातल को दोहराना चाहती है। अपनी बातों में वो हमेशा कहते थे कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को आगे की पंक्ति में बैठे लोगों से तनिक भर भी अधिकार कम न मिले। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान और हर गरीब मेहनतकश समाज के लोग हाशिए से निकलकर मुख्य धारा में शामिल हों। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हर आम खास जरूरतों के साथ सत्ता में भी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बराबरी की भागीदारी मिले। अखिलेश यादव का ये दांव एक मिनट के लिए काफी प्रैक्टिकल भी लग रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ रही मायावती के वोटरों को भी एक विकल्प की तलाश थी और अखिलेश यादव वही विकल्प के तौर पर आगे आना चाहते थे। बहरहाल, अखिलेश यादव ने छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर गठबंधन तैयार किया, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनका पूरा प्लान तूफान में फंसे तिनकों की तरह बिखर गया। जिस गठबंधन के बदौलत उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत की, आज उस गठबंधन का कोई भी साथी उनके साथ नहीं है। एक समय अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, केशवदेव मौर्य, संजय चौहान, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया। सिर्फ साथ छोड़ते तो बात अलग थी, अब इनमें से कई लोग अखिलेश को ही नुकसान पहुंचाने की मूड में हैं और जिस सीट पर अखिलेश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है वहीं अपना कैंडिडेट उतारने का प्लान बना रहे हैं। चलिए, ये तो रही उन लोगों की बात जो अपनी पार्टी के साथ मिलकर अखिलेश के लिए खड़े थे। अब चलिए आपको उन लोगों के बारे में बता देते हैं जो एक समय अखिलेश के करीबियों में से एक थे और हमेशा अखिलेश यादव के लिए आर पार को तैयार रहते थे। ये लोग समाजवादी पार्टी में रहकर अखिलेश के लिए हमेशा कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, लेकिन आज उन्होंने भी अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया है। इन नेताओं में कुछ चर्चित नाम हैं, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस साथी और गठबंधन के भरोसे अखिलेश यादव केंद्र से पीएम मोदी को हटाना चाहते थे, उन साथियों को भी समय रहते अखिलेश यादव अपने साथ नहीं रख पाए। आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे और किन मुद्दों पर वोट होगा, ये तो जनता ही जानती है, लेकिन अखिलेश यादव की हालत आजकल साउथ अफ्रीकन टीम की तरह हो गई है, जो लीग मैच तो सही खेलती है लेकिन बड़े मैच में चूक कर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।